मूवी कौन से कंट्री से ओरिजिनेटेड है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बॉलीवुड स्टूडियोस, जहां आपको मिलेगी लेटेस्ट मूवी से रिलेटेड लेटेस्ट खबरें और साथ में जो उसका लगेगा फैक्ट्स का। और गुची जो कि लग्जरियस ब्रांड है, इसके पीछे छुपे हैं कई काले राज। इसी राज से पर्दा उठाएगी हाउस ऑफ गुची मूवी, जो 24 नवंबर 2021 को होने वाली है रिलीज। ये मूवी यूनाइटेड नेशन में होगी वर्ल्ड वाइड रिलीज। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, जितना बड़ा नाम उतना बड़ा कान। यही कहावत रिलेट होती है हाउस ऑफ गुची मूवी में। आपको बता दें, ये एक बायोग्राफिकल मूवी है मॉरिजियो गुची और उसकी एक्स वाइफ पेट्रिजिया रिजाइनी पर। इस मूवी की स्टोरी में गुची खानदान के हेड मॉरिजियो गुची का मर्डर हो जाता है, वो भी बड़े ही शातिर तरीके से। ये मर्डर मॉरिजियो की एक्स वाइफ ने किया होता है ग्रीड और लस्ट के लिए। कहानी यही खत्म नहीं होती है, जब पेट्रिजिया को सच्चाई पता चलती है, वो बन जाती है असली विलन रोडोल्फो की एक्स वाइफ से बदला लेकर। सिंपल शब्दों में बताए तो ये कहानी मर्डर, मैडनेस, ग्रीड और ग्लैमर से भरी हुई है। इस मूवी में लेडी गागा ने लीड एक्ट्रेस बनकर और ग्लैमर भर दिया है। आपको बता दें दोस्तों, लेडी गागा और एडम ड्राइवर इस मूवी के लीड एक्टर्स हैं। लेडी गागा एक्टर्स के साथ एक सिंगर भी है और लेडी गागा लास्ट बार 2018 में रिलीज हुई अ स्टार इज बॉर्न में दिखी थी। इस मूवी के बाद गागा गायब हो गई थी मूवी इंडस्ट्री से और कैमरों की नजर से, पर अब वो फिर लौट आई है हाउस ऑफ गुची मूवी के साथ एक सरप्राइज लेकर। माना जा रहा है लेडी गागा हाउस ऑफ गुची के शूट के प्रिपरेशन के लिए इटली में गुची फैमिली के साथ रहने लगी है, ताकि वो गुची फैमिली के बारे में अच्छे से जान सके और उनकी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सके। आपको बता दें गुची फैमिली इटली कंट्री से ओरिजिनेटेड है। साथ ही बता दें कि गुची की शुरुआत साल 1921 में हुई थी, जो कि आज तक चली आ रही है। इस फिल्म को देखने में आप कितने इंटरेस्टेड हो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको इसी चैनल पर मिलेंगे आपके मन पसंदीदा सितारों से जुड़ी हुई हर इंटरेस्टिंग खबर।